और स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर रेलवे ने एक बार फिर से यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 10 ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया गया है। 7 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। 9 ट्रेनें लेट चलेंगी और इससे बड़ा झटका मुसाफिरों को लगा है। दोहरीकरण के काम के चलते ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। बता दें आपको, ट्रेन रद्द होने से यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई है। रेलवे ने एक बार फिर से यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 10 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा 7 ट्रेनों का रूट तब्दील कर दिया गया है, बदल दिया गया है। इधर 9 ट्रेनें लेट चलेंगी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो छत्तीसगढ़ में 9 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कितनी दिक्कतों का सामना करना होगा मुसाफिरों को, जानने की कोशिश करेंगे सहयोगी नेहा केशरवानी और वीरेंद्र गैवई से। पहले चलेंगे बिलासपुर, बात करेंगे वीरेंद्र गैवई से। वीरेंद्र, दिक्कतों का सामना मुसाफिरों को करना पड़ रहा है, 9 ट्रेनें एक बार फिर रद्द है, किस तरह के हालात रेलवे स्टेशन पर? देखिए, पहले ही 58 ट्रेनें रद्द हैं और एक बार फिर से अब 10 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसके अलावा 4 ट्रेनें बीच में समाप्त होंगी, 9 ट्रेन रीशेड्यूल हैं और 7 परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। ऐसी स्थिति में जो यात्री हैं उनको खासी दिक्कत हो रही है, और जो ट्रेनें चल भी रही हैं वो काफ़ी लेट से चल रही हैं। जो यहाँ यात्रा करने आ रहा है उनको घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। आप बताइए, किस तरह से ट्रेन जो रद्द हो रही है और लगातार ट्रेन लेट चलती है, किस तरह की दिक्कत होती है? हमें अचानक से ऐसी दिक्कतें आती हैं कि कहीं जाना है और ट्रेन रद्द हो जाएगी तो बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, आर्थिक समस्या आ जाती है, हमारे कार्यक्रम कैंसिल हो जाते हैं। तो ऐसे जो है समस्याएं तो होती ही हैं कि समय में न पहुंच पाना। तो ये ट्रेन रद्द जो होती है तो इसको जो है पहले से सूचना देना चाहिए तो व्यक्ति तैयार हो सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप बताइए किस तरह परेशानी होती है ये ट्रेन में? अब यही यात्रा में परेशानियाँ होती हैं, जैसे महाराज जी हमारे हैं, ये लोग आते हैं, इन्हीं को आने में दिक्कत। अभी अभी परसों के दिन महाराज जी हमारे जाना था, वो ट्रेनें कैंसिल हो गई थी, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस मथुरा के लिए, उसमें ही दिक्कत आई। फिर टिकट रिटर्न करो, फिर वो करो, इसी तरह के लफड़े आते रहते हैं। यदि एक बार आदमी रिजर्वेशन करा लेता है और फिर दोबारा यात्रा रद्द होती है तो दोबारा रिजर्वेशन कराना और जगह पाना, ऐसी बहुत दिक्कत होती है। मैडम, आप बताइए कि आप लोग यहाँ पर काम करते हैं, ऑटो चलाते, किस तरह दिक्कत होती है आप लोग को? ट्रेन रद्द हो रही तो किस तरह दिक्कत होती है आप लोग? दिक्कत तो होती है सर, बहुत दिक्कत होती है। यात्री मिलते हैं यहाँ पर? मिलते हैं, पहले जैसे मिलते होंगे उससे कम मिलते होंगे? उससे कम मिलते हैं। जो यहाँ काम करने वाले स्टेशन में या तो कुली है या यहाँ पर जो ऑटो चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, यहाँ से आते जाते हैं, यात्रियों को जो लेकर अपने गंतव्य तक पहुँचाते हैं, उनके घर तक पहुँचाते हैं, ऐसे लोगों को भी अपने जो रोजी रोटी चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और ऐसा कब बताया जाता है कि मालगाड़ियाँ चलने की वजह से ट्रेनों को? बिल्कुल वीरेंद्र, जरा आएंगे आपके पास में, रायपुर चलते हैं, नेहा केशरवानी से बात करेंगे। नेहा, 9 ट्रेनें फिर से रद्द कर दी गई हैं, कितना परेशानी भरा ये वक्त है उन मुसाफिरों के लिए जो रेल पर ही निर्भर होते हैं यातायात के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए ट्रेनों के लगातार रद्द होने से यात्रियों का जो सफ़र है वो मुश्किलों भरा तो हो ही गया है। मैं इस वक्त रायपुर स्टेशन में हूँ, रायपुर स्टेशन का नज़ारा आपको दिखाते हैं कि कई ट्रेनें जो है कैंसिल चलती है, तो जो भीड़ है वो भी यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। लोग यात्री जो है वो घंटों जो है वो ट्रेनों का इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं। कई यात्रियों को तो ये तक नहीं पता था कि उनकी ट्रेनें कैंसिल हो गई है और वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और उसके बाद जो है उन्हें पता चलता है कि ट्रेनें कैंसिल हो चुकी है। तो इसको लेकर के कई समय से जो है भीड़ भी नज़र आती जा रही है, और उसके बाद से अब जो है 10 ट्रेनें रद्द हैं, कुछ गाड़ियों को बीच में ही जो है समाप्त कर दिया गया। यात्रियों से भी यहाँ पर बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरीके की समस्याएं उन्हें आती है। सर, लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं और उसके बाद से किस तरीके की परेशानियां आप लोगों को झेलनी पड़ती है? मेरा तो कल मेरा इंटरव्यू है इंदिरा कलर यूनिवर्सिटी में, बताइए यहाँ से लोकल ट्रेनें सारी रद्द हो गई, मुझे जाना है राजनंदगांव, अब कोई ट्रेन नहीं है, मैं बैठा हूँ, अब दोपहर के 1:30-2 बजे कोई ट्रेन है उसी से मुझे जाना पड़ेगा, जिससे बहुत परेशानी हो रही मुझे। ट्रेन रद्द होने की जानकारी कब मिली आप? आज अभी हम नेट पे देख रहे थे। बिल्कुल, यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया नेहा केशरवानी, वीरेंद्र गवई, आप दोनों का शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में ट्रेनों के रद्द होने के चलते मुसाफिरों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं।